73 हो चुके हैं। आ जाओ फिर से ग्राउंड लो, पूरा गेट तक जाना। राइट साइड लेफ्ट साइड पूरा चुक रहा है। ठीक है, अभी कहाँ पे पेन फील हो रहा? थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब हल्का सा। हाँ अच्छा, थोड़ा सा लेफ्ट में। हाँ लेफ्ट। और राइट में? राइट में तो नहीं है। राइट में बिल्कुल भी पेन नहीं है। अच्छा, रात को पेन हो रहा है? सोते नहीं होता, मतलब कभी कभी जैसे अचानक से सो के उठे तो थोड़ा सा लगता है। हाँ। जैसे अपन बहुत देर बैठे रहे अगर। हाँ। तो थोड़ा सा दुखता है। ओके ठीक है ठीक है। जैसे अपन थोड़ा ज्यादा मूवमेंट कर लिए। हाँ। या इस पे थोड़ा ज्यादा वेट, हल्का ज्यादा वॉक कर लिए, है ना? वॉक तो वैसे अभी कर ही नहीं रहा हूँ मैं बहुत दिन से। अच्छा, नहीं चल रहा। हाँ हाँ ठीक है। मतलब सडन मूवमेंट अचानक से ऐसे कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच होता है तब। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज कर रहे थे हमारा वाला? हाँ, एक्सरसाइज कर रहा। कितने दिन किया अभी? 20 दिन लगभग हो गए। 20 दिन किया? 20 दिन में कुछ फ़र्क दिखा? हाँ काफ़ी फ़र्क। क्या क्या दिखा? मतलब मूवमेंट थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा दर्द भी कम हुआ। थोड़ा दर्द भी कम हो गया। पहले थोड़ा ज़्यादा लिफ्टिंग था मेरे एक्सरसाइज के बाद, थोड़ा कम हुआ। तो पहले तो बहुत ही ऑड लगता होगा, अभी भी थोड़ा ऑड लग रहा है। एक आप बिल्कुल लेफ्ट साइड में झुक रहे हो। पहले थोड़ा ज़्यादा झुकता है? पहले कुछ ज़्यादा ही झुक रही है। चलो ठीक है, 7 डेज में देखते हैं और कैसे होता है। ठीक है, वन मोर राउंड। स्लाइड सा तो थोड़ी हैबिट हो गई है, मैं लग रहा है। बाकी ज़्यादा नॉर्मल है काफ़ी। चला चला जाएगा, चला जाएगा। So, how are you feeling? I'm feeling much better. Much better? Yeah. As compared to the previous, how much percentage you had get improved? I was slightly limping more towards the left side, but limping has reduced significantly. Limping is reduced, too much limping is reduced right now. Very little bit is remaining, okay? And what about the pain, night pain? Pain, actually I was not having much pain. Only problem was limping because I started exercise for coming here. Yeah. So pain reduced after doing it. Mm-hmm. You are doing water fasting also? No, I'm not doing water fasting. Raw diet. Only yeah. You have followed raw diet. Yeah. Okay. And exercise you have followed. Yeah, exercise. And what are the benefits you have got from the exercise in the beginning? Yeah, exercise like movement was less. Yes. And I was feeling less energy in my legs. But after doing exercise, I was feeling like more blood supply increased and. I was feeling much better. Like strength is increased in the leg. Okay. Overall, how much percentage you are getting relief? I think more than 50% for sure. More than 50%. Yeah, because I was not having much problem. That means you are near about to perfect. Yeah. Near about to perfect. Yeah. No problem is remaining. Yeah. Either the shape is deformed and even a little bit limping is there. Rest of all is equal, I think. Okay. So happy. Thank you. Yeah. Thank you. Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Sharda Nagar, Kanpur. Senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in AVN and spine and joint related problems. So friends, AVN की series में एक patient है जो कि हमारे पास नागपुर से आए थे. इनका नाम रोमल मैथ्यू जी है. तो रोमल जी नमस्कार. नमस्कार. इनको AVN की problem हुई थी. सबसे पहले जानेंगे इनको क्यों और कैसे हुई और फिर उसके बाद आज जब ट्रीटमेंट हो गया है तो आज इनको कैसा फील हो रहा है. तो रोमिल जी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्यों आपको हुआ AVN. जी, तो अप्रैल 2021 में मुझे कोविड हुआ था. तो उसके कारण मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था. तो हॉस्पिटल में स्टेरॉइड्स लगे थे. तो उस समय तो मुझे कुछ पता नहीं लगा. लेकिन मैं दिसंबर में एक्चुअली जंप कर रहा था और सीलिंग को टच करने के लिए, तो मैं एक पैर के बल ज्यादा लैंड कर गया. तो उसके कारण मुझे पेन चालू हो गया लेफ्ट लेग में. तो मैं सोचा कि मतलब कुछ मसल पुल या कुछ हो गया होगा. लेकिन फिर जब एक महीने तक पेन ठीक नहीं हुआ,
तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने फिर कुछ मतलब टेस्ट करे, मतलब कुछ देखे एक्सरसाइज मूवमेंट करके, तो उन्होंने बोले आप एमआरआई कराइए। तो फिर जब एमआरआई कराया तो उसमें पता लगा कि एक लेफ्ट लेग में स्टेज 2 है और राइट लेग में स्टेज 1 एवीएम है। जी फिर उसके बाद उन्होंने मतलब वो डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिए थे कि आपको मतलब कोर डिकम्प्रेशन करा लो या उससे बेटर है टोटल हिप रिप्लेसमेंट करा लो। तो मैंने बोला यार इतना तो दर्द नहीं है मुझे कि मैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट करा लूं। फिर हमने 2-3 डॉक्टर से और कंसल्ट करे, फिर उन्होंने बोले नहीं नहीं अभी थोड़ी आप दवाई चलाइए। तो फिर मैं यूट्यूब में भी पापा सर्च मार रहे थे, मैं भी सर्च कर रहा था कुछ कुछ, तो आपके बारे में पता लगा। तो फिर आपकी जो एक्सरसाइज थी वो मैंने ट्राई किया, तो उससे मुझे काफी रिलीफ हुआ, पैर में थोड़ी स्ट्रेंथ भी अच्छी आ गई, तो और मूवमेंट भी थोड़ा पहले से बेटर हो गया। तो फिर मैंने सोचा फिर आपको कांटेक्ट किए, तो फिर आपने बोले कि कानपुर में आ जाइए, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। तो आज जैसे सेटिंग हो गया है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? आज तो काफी अच्छा लग रहा है। जब मैं आया था तो मैं सब लोग पापा भी बोल रहे थे और वीडियो भी आपने बनाया, तो उसमें लेफ्ट साइड में काफी लिम्फ मतलब लिम्फ था, और अभी तो काफी चला गया, मतलब 95% लगभग चला गया। बहुत 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 थोड़ा सा ही बचा है, बाकी काफी बेटर है। तो और भी जो एवीएम के पेशेंट है, खासतौर से कोविड वाले एज वेल एज जो भी यंगस्टर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही है, मतलब जैसे आपको पता लगता है कि आपको एवीएन या फिर आप नेट में सर्च मारते हैं तो उसमें बताते हैं कि आपकी बोन डिग्रेड होना चालू होती है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत शॉक लगता है कि यार अभी तो एज ही नहीं है, इतनी कम एज में मतलब आपकी बोन मतलब डिग्रेड हो रही है और कुछ दिनों बाद आपको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी। तो 2-3 दिन तो मुझे काफी शॉक लगा, फिर मैंने सोचा यार अब मतलब ऐसे बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर मतलब वही डॉक्टर्स और मतलब नेट पे सर्च मारा, तो ये आपके बारे में पता लगा कि एक्सरसाइजेज और ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, तो मतलब वो ट्राई करा था, उससे काफी बेनिफिट मिला मुझे। तो इस तरह से हम लोगों को जो भी अदर पेशेंट्स हैं जी उनको भी ऐसे करना। तो ये थे रोमिल जी, थैंक यू, बहुत बहुत रोमिल जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि खासतौर से जब भी आपको डॉक्टर बताता है कि आपको हिप रिप्लेसमेंट करना होगा, तो थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपनी बॉडी को हील होने के लिए, तुरंत एकदम हिप रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते अगर कुछ उसमें दिक्कत आ जाती है, तो इवन सर्जन भी उसके बाद उसको भी दिक्कत आती है कुछ करने में, दोबारा कुछ रिप्लेसमेंट या रीसर्जरी करने में। तो उससे पहले बेटर यही है कि अपने ओरिजिनल हिप जॉइंट को सेव करें, बॉडी को मौका दें कि वो भी हील हो सके। बॉडी हील होती है अगर आप उसको सही टाइम से सही चीजें दें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, डाइट एंड प्रिकॉशंस का खासतौर से फॉलोअप करें, तो बॉडी भी हील करती है। तो बॉडी को टाइम देना चाहिए, खासतौर से यंगस्टर्स को, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिल सके हमारे कैंप से रिलेटेड, हमारी लोकेशन से रिलेटेड, सो दैट कि आप लोग इजीली हम लोग के पास अपने फिजिकल प्लेस पे ट्रीटमेंट करा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय। फिर से ग्राउंड लो, पूरा गेट तक जाना, राइट साइड लेफ्ट साइड पूरा झुक रहा है, ठीक है। अभी कहाँ पे पेन फील हो रहा? थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब हल्का सा। हाँ अच्छा, थोड़ा सा लेफ्ट में। हाँ लेफ्ट में। और राइट में तो नहीं है, राइट में बिल्कुल भी पेन नहीं है। अच्छा, रात को पेन हो रहा है? ये सोते नहीं होता, मतलब कभी कभी जैसे अचानक से सो के उठे तो थोड़ा सा लगता है। हाँ, जैसे अपन बहुत देर बैठे रहे अगर, हाँ, तो थोड़ा सा दुखता है। ओके ठीक है जैसे अपन थोड़ा ज्यादा मूवमेंट कर लिए, या इस पे थोड़ा ज्यादा वेट, हल्का ज्यादा वॉक कर लिए, है ना? वॉक तो वैसे अभी कर ही नहीं रहा हूँ मैं बहुत दिन से, अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, एक्सरसाइज कर रहे थे हमारा वाला? हाँ, एक्सरसाइज कर रहा। कितने दिन किया? 20 दिन लगभग हो गए। 20 दिन किया? 20 दिन में कुछ फर्क दिखा? हाँ काफी फर्क। क्या क्या दिखा? मतलब मूवमेंट थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा दर्द भी कम हो गया। पहले थोड़ा ज्यादा लिफ्ट था, मेरे एक्सरसाइज के बाद थोड़ा कम हो। तो पहले तो बहुत ही ऑड लगता होगा, अभी भी थोड़ा ऑड लग रहा है। एक आप बिल्कुल लेफ्ट साइड में झुक रहे हो, पहले थोड़ा ज्यादा झुकता था, पहले कुछ ज्यादा ही झुक रही है। चलो ठीक है, 7 डेज में देखते हैं और कैसे होता है।
आ जाओ। ठीक है, वन मोर राउंड। स्लाइट सा तो थोड़ी हैबिट हो गया मैं लग रहा, बाकी ज़्यादा नॉर्मल है काफ़ी। चला चला जाए, चला जाए। सो हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग मच बेटर। मच बेटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, हाउ मच परसेंटेज? लिम्पिंग इज रिड्यूस्ड, टू मच लिम्पिंग इज रिड्यूस्ड राइट नाउ, वेरी लिटिल बिट इज रिमेनिंग। ओके, एंड व्हाट अबाउट द पेन, नाइट पेन? पेन एक्चुअली आई वाज नॉट हैविंग मच पेन, लाइक ओनली प्रॉब्लम वाज लिम्पिंग बिकॉज़ आई स्टार्टेड एक्सरसाइज फॉर कमिंग हियर, सो पेन रिड्यूस्ड आफ्टर डूइंग। यू आर डूइंग वाटर फास्टिंग आल्सो? नो, आई एम नॉट डूइंग वाटर फास्टिंग। रॉ डाइट? रॉ डाइट ओनली, यू हैव फॉलोड रॉ डाइट? या। And exercise you have followed? Yeah, exercise. And what are the benefits you have got from the exercise in the beginning? Yeah, exercise like movement was less. Yes. And I was feeling less energy in my legs. But after doing exercise, I was feeling like more blood supply increased and I was feeling much better. Like strength is increased in the legs. Okay, okay. So overall, how much percentage you are getting relief? I think like More than 50% for sure. More than 50%. Yeah, because I was not having much problem. That means you are near about to perfect. Near about to perfect. Yeah. No problem is remaining. Yeah. Either the shape is deformed and even a little bit limping is there. Rest of all is equal, I think. Okay. So happy? Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.